नमस्कार दोस्तों, डीएसएल वेब टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से आपका जो कस्टमर सर्विस पॉइंट है उसके माध्यम से, या फिर कस्टमर सर्विस सेंटर भी कुछ लोग जो बोलते हैं, उसके माध्यम से आप कैसे अपनी आय और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कैसे मतलब अपने अलग अलग सोर्सेस का यूज़ करके अपने ग्राहक सेवा के केंद्र के माध्यम से अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को एक्टिवेट कर लीजिए प्रेस करके, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से आय हम अपनी बढ़ा सकते हैं। वीडियो को स्पॉन्सर किया हुआ है डीएसएल वेब टेक्नोलॉजी ने, article716.com के माध्यम से। इस पे एक आर्टिकल दिया हुआ है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। नीचे वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है, आप चाहें तो इस आर्टिकल को वेबसाइट ओपन करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समय न बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला जो इनकम जनरेट करने का तरीका दिया हुआ है, सबसे पहला दिया हुआ है बिजली बिल जमा करने का दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आप लोग जो अपने ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से लोगों को सर्विस दे ही रहे हैं, पैसे वगैरह निकालते हैं, जमा करते हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि क्या होता है इस पे जो विड्रावल अपन देते हैं। अगर जो जमा कर रहे हैं पैसे, तो उसके माध्यम से तो पैसे आते ही हैं, पर कई बार अपन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज में लोग पैसे निकालने आते हैं, पैसे जमा करने बहुत कम आते हैं, तो कैश मैनेजमेंट का एक्चुअल में एक प्रॉब्लम होता है। मतलब पैसे की दिक्कत होती है, हमको बार बार एटीएम जाना पड़ता है या बैंक से पैसे निकाल के लाते हैं। फिर उसमें दूसरी चीज़ आपको, एक बहुत जरूरी बात आपको बता रहा हूँ कि जब आप अपने खाते से 1 करोड़ रुपए के ऊपर का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा विड्रावल कर लेते हैं, तो नए नियम के हिसाब से आपको 2% टीडीएस देना होता है, जो कि आपके बैंक खाते से काट दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप बार बार अगर पैसे निकालते हैं तो आपके खाते का ट्रांजेक्शन यहाँ पे बढ़ता है, और जब ट्रांजेक्शन बढ़ता है दोस्तों तो क्या होता है, 2% टीडीएस आपको देना पड़ेगा, मतलब कमाई से ज्यादा नुकसान हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। तो हमें दूसरे सोर्सेस यहाँ पे देखने हैं जिससे कि हमारे पास कैश बना रहे, हमको बार बार अपने खाते से पैसा ना निकालना पड़े। ठीक है ना, तो आप जो मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपके पास ठीक है कैश आता ही आता है। बिजली बिल जमा करना ये एक बहुत बढ़िया मतलब तरीका है। आप बिजली बिल जमा करके मतलब अच्छा खासा क्या बोलते हैं कमीशन कमा सकते हैं। मतलब आप एक बिल में अगर 10 रुपए भी लेते हैं, और मतलब एक ऑन एन एवरेज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि दिन में आपने 10 बिल भी जमा किए तो 10 बिल के हिसाब से मतलब 100 रुपए एक्स्ट्रा इनकम आपकी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो 100 रुपए डेली के हिसाब से अगर महीने में आपने मतलब 30 दिन का भी अपन निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो 3,000 रुपये महीने की एक्स्ट्रा इनकम आपकी 10 रुपये के हिसाब से, मतलब 10 रुपये 10 बिल और 10 रुपये डेली के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे कि एक बिल पे आप 10 रुपये लेते हो और 10 रुपये के हिसाब से 100 रुपये रोज का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3,000 रुपये आप एक्स्ट्रा तक कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि आपके पास कैश का फ्लो भी बना रहेगा, आपको बार बार बाहर पैसे लेने जाना नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे ही कुछ ग्राहक सेवा केंद्र है, कस्टमर सर्विस पॉइंट है, जो कि बिल वगैरह जमा करते हैं, तो एक एक कस्टमर का मतलब दिन में मतलब एक एक कस्टमर का, किसी का 100, 200, 500, 1,000, मतलब 5-5 हज़ार रुपए, 10-10 हज़ार रुपए के भी कुछ लोगों के बिल होते हैं जो बड़े बिल होते हैं, तो दिन में अच्छा खासा मतलब 1 लाख रुपए तक क्या बोलते हैं वो बिल जमा कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो दिन में 5 बिल भी जमा कर रहे हैं, कुछ लोग 10 बिल, और कुछ तो ऐसे ही 50-50 बिल भी जमा कर रहे हैं। मतलब 500 रुपए तो रोज बिल से ही निकाल ले रहे हैं, मतलब महीने का 15 हज़ार रुपए तक बिल से निकाल ले रहे हैं। तो ये पहली चीज थी जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि आप बिल जमा करके भी महीने का 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज या डीटीएच रिचार्ज। तो दोस्तों, इसमें 1% से लेके 6% तक जो कमीशन होता है, 1% से लेके 6% तक इसका कमीशन स्ट्रक्चर होता है। तो आप जो पैसे भी निकालते हैं उस दोस्तों, तो उसमें 10 हज़ार में आपको 6 या 7 रुपये ही मिलते हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं या डीटीएच रिचार्ज करते हैं तो 1% भी अगर मिनिमम कमीशन होता है तो 10 हज़ार रुपये में 100 रुपये होता है, जहां मतलब आपको 10 हज़ार रुपये में 6 से 7 रुपये क्या बोलते हैं पैसे निकालने में मिल रहे थे, तो वहां पे अगर आप दिन में अगर 10 हज़ार रुपये का रिचार्ज कर दें, समझ रहे हैं ना आप, तो 10 हज़ार रुपये के रिचार्ज में आपको मतलब
आराम से क्या बोलते हैं 100 रुपए से लेके 600 रुपए तक बचेगा रोज का, ठीक है। तो अगर मतलब आप दिन में, मतलब अगर हम यहाँ पे हमने एक बेसिक चार्ट बना दिया हुआ है जिसमें रिचार्ज का अमाउंट है, डेली अर्निंग, मंथली अर्निंग हमने यहाँ पे दिखाई हुई है। मतलब अगर आप मिनिमम अमाउंट से देखते हैं कि अगर आप दिन में 2-3 लोगों के रिचार्ज कर देते हैं, 200-300 रुपए के, 1000 रुपए का आराम से रिचार्ज हो जाता है, और 1% से 6% कमीशन अगर कैलकुलेट करें, डीटीएच में अच्छा खासा रिचार्ज मिलता है ना, तो रिचार्ज में सॉरी कमीशन मिलता है, तो आपको मतलब डेली अगर 1000 रुपए का भी रिचार्ज करते हैं तो आपको 10 रुपए से 60 रुपए तक की अर्निंग होती है। मतलब महीने में आप 300 से 1800 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, ठीक है। 5000 का अगर आप रिचार्ज कर डालते हैं तो 50 रुपए से लेके 300 रुपए तक रोज का कमा सकते हैं। मतलब महीने का आप आराम से 1500 रुपए से 9000 रुपए तक कमा सकते हैं। 10000 का आपने रिचार्ज कर दिया, मैं यहाँ पे मैक्सिमम 10000 बता रहा हूँ, आप चाहें तो इससे कहीं ज्यादा रिचार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जिन दुकानों पे रिचार्ज पॉइंट ही है जो अच्छा खासा, जहाँ पे क्या बोलते हैं आता है, क्या बोलते हैं रिचार्ज करने के लिए कस्टमर्स आते हैं, तो वहाँ पे अच्छा खासा रिचार्ज होता है। तो अगर 10000 रुपए तक का रिचार्ज करते हैं तो आप 100 रुपए से 600 रुपए तक रोज कमा सकते हैं, मतलब महीने का 3000 रुपए से लेके 18000 रुपए तक, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचकर। यहाँ पे मतलब बहुत सारी इंश्योरेंस, हालांकि पॉलिसी बेचने के लिए आपको एक एग्जाम क्लियर करना होता है, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं काफी, जैसे कि स्पाइस वगैरह है, पेन ईयर बाई है, पेन ईयर बाई अच्छा खासा काम कर रही है इंश्योरेंस में, उनको अभी लाइसेंस मिला हुआ है, तो उनकी पॉलिसीज छोटी छोटी पॉलिसी बेचकर, 2-व्हीलर 4-व्हीलर पॉलिसी बेचकर या पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बेच के आप अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको 60 रुपए से लेके 100 रुपए तक पर पॉलिसी में मिल जाता है, और बड़ी पॉलिसी है तो उसमें 4% से 8% तक कमीशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे, और कुछ लाइफ इंश्योरेंस वगैरह भी अच्छा खासा आप बेच सकते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस पे तो 10% से 35% तक कमीशन भी मिल जाता है, अगर आपको अच्छा खासा कस्टमर मिल रहा है, बड़ा अमाउंट दे रहा है, तो अच्छा खासा कमीशन उसमें आपको मिल जाएगा। तो अगर आप मतलब 10-20 पॉलिसी महीने की सेल कर लेते हैं, मतलब 460 रुपए से 100 रुपए तक का ही अपन अगर देखें कमीशन, 4 से 8% तक का, और महीने में सिर्फ 10 से 20 पॉलिसी सेल करते हैं अगर, तो आप एक्स्ट्रा 2000 रुपए से लेके 15000 रुपए तक की कमाई यहाँ पे कर सकते हैं महीने पे, ठीक है ना। तो ये मतलब अच्छा खासा बिजनेस है। पॉलिसी बेचने में आपको क्या होगा यहाँ पे कि आपके पास कैश का फ्लो भी अच्छा खासा बना रहे, क्योंकि पॉलिसी में भाई कोई भी छोटी सी भी आप पॉलिसी करते हो ना, तो 1000-1500-2000 रुपए और कैश कलेक्शन जब आप इसका करोगे पॉलिसी का, तो आपके पास कैश का फ्लो बना रहेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रीमियम कलेक्शन करने का काम है। प्रीमियम कलेक्शन करने का काम यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो आपने पॉलिसी सेल की हुई है, और कुछ जो प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे बजाज अलियांज हो गया, एलएनटी वगैरह हो गई है ना, और भी बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं जो कि लोन देती हैं गाड़ी खरीदने के लिए या दूसरी चीजों के लिए, तो उसके लोन के कलेक्शन पॉइंट होते हैं, जैसे कि आप मैंने जो अभी सेकंड कंपनी बताई पेन ईयर बाई, तो इस पे लोन कलेक्शन का भी क्या बोलते हैं प्रीमियम कलेक्शन कर सकते हो आप, लोन का प्रीमियम कलेक्शन कर सकते हो और पॉलिसी का प्रीमियम कलेक्शन कर सकते हो। तो इसमें आपको 1% से लेके 5% तक का हर ट्रांजेक्शन पे कमीशन मिलता है। मतलब अगर आपने दिन में 10000 रुपए से 50000 रुपए तक का काम कर लिया, मतलब 10000 रुपए का भी आप करते हो तो 100 रुपए, और अगर 50000 तक का करते हो तो 2500 रुपए तक मैक्सिमम आप कमीशन डेली का कमा सकते हो, समझ रहे हो ना आप। तो मतलब महीने में अगर आपका देखा जाए तो अच्छा खासा, पहली बात तो आपके पास कैश फ्लो बना रहेगा अच्छा खासा, मतलब आप वहां पे कैश मेंटेन कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि आप महीने में 3000 रुपए से 75000, मतलब आपके ऊपर है, मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ, 3000 रुपए से लेके 75000 1 लाख तक भी आराम से कमा सकते हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्या बोलते हैं कैश कलेक्शन पॉइंट्स हैं जहां पे हमारे एजेंट्स और रिटेलर्स काम कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, मतलब महीने में मतलब 15-20000-50000 रुपए तो मतलब सिर्फ कैश कलेक्शन करके कमा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैश कलेक्शन प्रीमियम प्रीमियम कलेक्शन करना मतलब लोन्स का और पॉलिसी का, मतलब कैश कलेक्शन का अच्छा खासा काम है, तो इसमें आप अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बस फ्लाइट टिकट बुकिंग का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। बस फ्लाइट टिकट मतलब बुकिंग में भी आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। यहाँ पे आपको बस टिकट भी बुक करते हैं तो आपको 20 रुपए, और फ्लाइट टिकट अगर आप बुक करते हैं तो आपको मिनिमम मिनिमम 100 रुपए एक पैसेंजर के ऊपर मिलता है। मतलब अगर आपने फ्लाइट की एक टिकट बुक कर दी जिसमें कि 5 पैसेंजर हैं, सॉरी 4 पैसेंजर हैं या 3 पैसेंजर हैं, तो मतलब आराम से आपको एक टिकट पे 200-300 रुपए कमीशन मतलब तो कंपनी दे देती है, और उसके ऊपर जो आप ले लो वो तो एक अलग ही चीज हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब अगर आप महीने में
20 30 टिकट, मतलब दिन में अगर सिर्फ दो टिकट भी बुक करते हो ना, तो आप आराम से 200 से सॉरी 40 रुपए 50 रुपए से लेके 200 रुपए डेली मिनिमम आप कमा सकते हो। तो महीने का मतलब आपको 1200-1300 रुपए से लेके 6 से 7 हजार रुपए आप सिर्फ टिकट बुकिंग में मिनिमम ऐसे आप कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छा खासा मतलब आपका एक साइड बिजनेस हो सकता है। और दूसरी चीज, फ्लाइट टिकट बुक करने में एक एक टिकट 6 6 7 7 हजार, 8 8 10 10 20 20 हजार रुपए की, मतलब मैंने खुद जो टिकट बुकिंग का काम जब स्टार्ट किया था, तो मैंने 1 1 लाख रुपए की एक एक टिकट बुक की है, जिसमें से तीन तीन चार चार लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 1 1 लाख रुपए की टिकट बुक की है, ठीक है ना दोस्तों। और मतलब एक एक टिकट पे 1000 1000 रुपए कमीशन भी कमाया है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अच्छा खासा कमीशन आप बस और फ्लाइट टिकट बुक करके कमा सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक टिप्स थी जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखा दिया हुआ है कि अगर आप इन सारी सर्विसेज का यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करके आप मिनिमम 3000 रुपए से लेके 10000 रुपए तक कमा सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम का एक अप्रोक्सीमेट चार्ट मैंने बना दिया, अप्रोक्स चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो 3000 रुपए मिनिमम और 10000 रुपए तक आप कमा सकते हैं, ठीक है। मोबाइल रिचार्ज में भी आप 10000 रुपए से 5000 रुपए तक कमा सकते हैं। इंश्योरेंस सेल करके 2000 रुपए से 15000 रुपए तक, प्रीमियम कलेक्शन करके 3000 रुपए से 75000 रुपए तक, और बस फ्लाइट टिकट बुकिंग करके आप 1200 रुपए से 6000 रुपए तक आराम से महीने में एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। तो अगर इनका ओवरऑल टोटल कर दिया जाए, तो 10200 रुपए से लेके 1 लाख 11 हजार रुपए तक आप महीने का आराम से कमा सकते हैं दोस्तों। तो हम 1 लाख रुपए तक तो नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे एक बेसिक अर्निंग की बात करेंगे कि ऑन एन एवरेज अगर आप ये सारे काम करना चालू कर दें, तो आराम से 10000 रुपए से 20 से 30 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। तो ये एक मतलब अच्छा खासा एक अमाउंट, अच्छा खासा क्या बोलते हैं कमीशन स्ट्रक्चर हो सकता है। और फिर आपकी मेहनत के ऊपर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्सिमम अर्निंग का भी एक अप्रोक्स चार्ट दिखाया है। तो 1 लाख रुपए तक आप आराम से कमा सकते हैं। और कुछ तो हमारे मतलब सेल्स एजेंट्स और रिटेलर हैं जो कि आराम से मतलब क्या बोलते हैं 50 60 हजार रुपए 1 लाख रुपए आराम से महीने कमा रहे हैं, ये सारे काम करके। उनका कस्टमर सर्विस पॉइंट तो चल ही रहा है, साइड में वो पॉलिसी सेल करके मोबाइल डेटा कार्ड वगैरह रिचार्ज करके अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं कि आप अच्छी खासी एक अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक चीज आपको और ये भी बताना चाह रहा हूँ की अगर आपको पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कहीं पे भी एईपीएस पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है, पैसे निकालने जमा करने के लिए, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके हमसे अपनी रिटेलर आईडी ले सकते हैं। और उन रिटेलर आईडी के माध्यम से भी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, मोबाइल डेटा कार्ड, डीटीएच रिचार्ज, इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना, प्रीमियम कलेक्शन का काम, बस फ्लाइट टिकट बुक करना, और भी उसमें बहुत सारी सर्विसेज दी हुई है जो कि आप उस आईडी के माध्यम से कर सकते हैं और अच्छा खासा कमीशन आप कमा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में आज हम यहीं पे इस वीडियो को अपन खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।